बरेली के थाना भोजीपुरा के ग्राम फरीदापुर जागीर निवासी महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसके पिता की मृत्यु 20 वर्ष पहले हो चुकी है। उसके परिवार में दो भाई और एक माता जी है। 2016 में शिशुपाल निवासी देवरिया का उसके घर आना जाना शुरू हुआ और वो बदनीयती से उसे बहला फुसला कर दिल्ली ले गया, जहां उसके साथ उसने गलत काम किया। उसके बाद वो उसको उत्तरांचल ले गया और काम दिलाने का लालच दिया। फिर उसने बताया कि सिर के बालों से बंधक बनाया साले जीजा जितेंद्र और उसकी बहन विनीता, एक कमरे में उसने उसको बंद कर दिया। काफ़ी लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने के बाद जो उसने विवाह के लिए कहा तो मना कर दिया। महिला ने पुलिस कार्रवाई की बात की तो शिशुपाल शादी को तैयार हो गया, शादी कर ली और उसके साथ वो 2 लाख की डिमांड करने लगा। इसके ना देने पर वो अक्सर इसको मारपीट करता था। 27 जनवरी को प्रभारी निरीक्षक देवरिया को भी उस मिथिलेश ने शिकायत की, लेकिन पुलिस बजाय कार्यवाही करने का उल्टा समझौते का दबाव बना रही है और उसका साथ दे रही है। उसने एसएसपी से कार्यवाही की मांग की है। पहले तो वो मुझे बहला फुसला के ले गए दिल्ली, फिर मुझे उन्होंने बंधक बना के रखा था, उन्होंने और उनकी बहन हुई ने, फिर उन्होंने सर मेरे साथ में गलत किया, मतलब मेरे रेप किया, मतलब मेरे पति शिशुपाल ने। सर जीजा ने भी कोशिश करी थी बहुत सर, मगर मकान वालों ने सबने बचा लिया था, मतलब फिर वो वहाँ से मुझे रुद्रपुर ले गए सर। 2-2.5 महीने सर, 2-2.5 महीने रुद्रपुर सर। मम्मी ने दबाव डाला था, मतलब कानूनी कार्रवाई करेंगे हम, तो मम्मी को जानकारी मिली थी कि लड़की उनके पास में है। अब सर उनका मारपीट करना, दहेज की मांग करना, वैश्यवृत्ति के धंधे में धकेलना, ये उनका सर डेली का पैसा बन गया है। मतलब देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।